हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ABC कॉम्प्रिहेंड स्वागत है। आज हम मैथ्स का इकाई के अंक के बारे में आपको लेकर आए हैं नया चैप्टर, जिसमें इकाई अंक के अंक से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आपके सवालों में आते रहते हैं, जो कि हर एग्जामों में आने की संभावना होती है। अगर आप अच्छे समझ लें तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, जो आपको एक नंबर अपने दिला सकते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ये इस तरह के जो एग्जामों में आते हैं, ये तो बहुत सरल है, ये तो आप सब लोग कर ही लेंगे। लेकिन जब इस तरह के सवाल आ गए, मान लो 2137 का पावर है 753, यानी 2137 को 753 बार लिखा गया, उसके बाद इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें तो आप सिंपल है, इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसका 4 ले लो आप, इसका 8, इसका 7 और इसके 3, यानी आपने कितनी ले ली, ये ले ली। आप इनका इंटू करोगे, 8 चौके 32, 7 3 21, इनका इंटू कर लो तो 2 एकम 2, यानी इसमें इकाई का अंक क्या आ गए, 2। अगर आप ये इंटू करोगे, कर जो पूरा गुणा करोगे, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 2। लेकिन मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ, इस नियम को ध्यान रखें, से आप इकाई का अंक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा मान लो आप 1 0 1 3 5 और 6, इन संख्याओं को याद रखें। इन संख्याओं को याद रखने का कारण क्या है, जब भी इनकी पावर जो भी होगी, मान लो 0 की पावर, या मैं आपको समझा दी 1 की पावर 10, जितनी भी होगी, 5 होगी 6 होगी, लेकिन इकाई का अंक 1 ही आएगा ना। इसके बाद 5 5 को मान लें अपन, जैसे मान लो 2 है तो 25 होगी, तो इकाई का अंक आपका क्या आ रहा, 5, यानी जो संख्या है वही आ रही है। या 5 की पावर 3 है, क्यू है, तो 125, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5। अगर इसी तरह अगर मान लो आप 6 की देखोगे, तो 6 की घात 2 यानी पावर रीचिंग 36, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। इसीलिए 6 का क्यू देखोगे आप तो 216 इकाई का, यानी इसका ये मतलब है कि ये जो अंक होंगे उनमें इकाई का अंक सेम ही वही की वही संख्या होगी। अगर हम 9 की बात करें, 9 की, तो 9 की अगर पावर सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, और 9 की पावर विषम है तो उसका आंसर, यानी उसके 90 रहेगा अंक, इकाई का अंक। तो पहले अपन एक सवाल देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा इससे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें ये संख्या। तो आपको इकाई का अंक निकालना है, तो आपको इस संख्या से कोई मतलब नहीं है ना, यानी 7 की पावर 753, ठीक, आपको केवल इसी संख्या से मतलब है, ठीक। अब आपको क्या करना है, जैसे उसकी पावर इकाई के अंक 3 है, तो 3 के लिए आपको सीधा सीधा नियम है, इसकी जो पावर है इसमें 4 से आप डिवाइडेड करें, तो 4 एकम 4 3 बचे, 4 8 32, 3 बचे 33 हुए 4 8 32, ठीक। और शेष कितना बचा, 1, ठीक, शेष कितना बचा है, इसमें 1 बचा है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ऐसे 7 की पावर 4 188 × 7 की पावर 1, 1 मतलब जो शेष बचा है वो, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 का गुणा 4 बार करना है, यानी 7 × 7 = 49, और 49 का वही 7 की पावर 4, 7 का 49 वही करोगे आप तो 9 माने, यानी 1 आएगी ना, करके बताऊं मैं आपको, 49 या 49 का करोगे तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा इसमें, 1। तो 1 × 7, 1 का पावर 1 7, तो इसका आंसर कितना आया, 7। ऐसा करता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा सवाल, नेक्स्ट सवाल और बताता हूँ मैं आपको। देखिए अगला सवाल थर्ड है, यानी 5627 की पावर 153 है, यानी 5627 को 153 बार लिखा गया, और 6671 को 72 बार लिखा गया है, इनको आपस में गुणा करें और उसके बाद इकाई का अंक निकालें तो क्या निकलेगा। तो सिंपली तरीका है जो आपको मैं बता चुका हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, 7 की पावर 153 लिखेंगे अपन, और 1 की पावर
72 है ना, इकाई अंग निकालेंगे। तो आपको सात को क्या करना है, पावर है, पावर में चार से डिवाइडेड करना है, चार तीया 12, तीन बचे और चार तीया 12, यानी एक कितना बचता है, शेष एक। तो आपको ऐसा लिखना है, 7 पावर 4 गुणा 7 की पावर शेष कितना बच रहा है, 1। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन को आप चाहो तो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से डिवाइडेड कर लो, 4 4 4 8 32, वो तो एक ही आएगा आंसर, लेकिन मैं आपको समझा दूँ, 18 शेष कुछ बच ही नहीं रहा है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये आपको ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कितने हुआ, 49 49, यानी 1 7 की पावर अगर 4 है तो इकाई अंक इसमें कितना आया, 1, और यहाँ कितना आया, 7, यानी इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है ये वाली कंडीशन में, 7। और ये आपको एक बार करोगे तो आपका 1 ही आएगा, यानी 7 गुणा 1, तो आपका आंसर जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, इकाई अंक 7। इसी प्रकार अगर ये वाली कंडीशन को आप देखोगे तो एक कंडीशन सॉल्व करके बता दूँ मैं आपको, 4 की घात 1793, ठीक, तो 1793 में डिवाइडेड बाय 4 4 चौके 16, 1 बचे 4 चौके 16, 3 बचे 4 8 32, शेष कितना बचा, 1 शेष बचा है ना। तो आप इसे इस तरह लिखेंगे, 4 की पावर 4 × 448 × 4 की पावर 1, तो इसमें जो आंसर होगा आपका 4 चौके 16, और 16 और 16 का गुणा करोगे यानी 2 बार लिखकर, तो इसमें कितना आ गया आपका, 6, और 4 की घात अगर 1 है तो आंसर कितना आ रहा है, 4 × 1 = 4, ये कितना हो गया, 32, यानी इसमें इकाई का अंक कितना है, 2। अगली कंडीशन है जैसे 615, 615 में 517 में 4 से डिवाइडेड करेंगे अपन, 4 7 28, 3 बचे 37 हो जाएंगे, 4 9 36, यानी 5 की घात 4 घात 89 × 5 की घात 1 शेष बच रहा है ना। तो इस तरह लिखेंगे अपन, तो 5 का करेंगे अपन 4 बार, तो 5 25 और 25 25 करेंगे, वही हासिल कितना आएगा जो मैंने बताया, 5 की घात जो भी हो उसका आंसर कितना होगा, 5, और 1 × 5 तो हासिल वही 5 आएगा है ना, यानी इसमें कई कल कितना आया, 5। अगली कंडीशन है 1 की घात 491, 491 को यानी 1 डिवाइडेड करके बता दें अपन, तो डिवाइडेड करने में आप पहले 4 से कर लें, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, 4 1 4 4 2 8 11 हो गए, और 4 2 8, यानी 1 की घात 4 गुणा 122 गुणा, आप जमा के लिख सकते हो 4, तो वो तो आंसर तो 1 ही आना है ना, तो 4 2 8 9 10 11 3, यानी 1 की घात 3, ठीक। तो ये तो 1 ही रहेगा इकाई का अंक, 4 को इक्वल लिखो, इसको इक्वल लिखोगे 1 ही रहेगा, यानी इकाई के अंक इसमें कितना आ गया, 1, ये आपस में गुणा गुणा कर दोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा तीनों का, 2 गुणा 5 गुणा 1, यानी इकाई का अंक कितना आया, 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल बताता हूँ, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 5वां सवाल है, इसमें लिखा है 3 की घात 61, 6 की घात 43 और 7 की घात 82, यानी इनमें इकाई का अंक निकालना है, तो इनमें तो एक ही है, तो आपको 3 लेना है, 3 यानी 61 में डिवाइडेड बाय 4, 4 2 4 1 = 4, 2 बचे
तो 4 5 20, यानी शेष कितना बचा? ये आप 15 लिख दो, 4 की घात जी लिख दो, और शेष कितनी बची आपके पास? 1, यानी 3 की घात 1। सिंपल तरीका है। तो यानी ये वाली आपकी पोजीशन, ये वाली सॉल्व हो गई है ना, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको 4 की घात 3 की घात 4 है, सॉरी। तो इसको आपको आपसी में 3 को 4 बार लिखेंगे तो कितना आएगा आपका, यानी कितना आएगा एकाई अंक? 1। इसमें एकाई अंक 1 आएगा, गुणा 3। तो ये आपका इस कंडीशन में एकाई अंक कितना आया? 3। अगली कंडीशन है, जैसे मान लो 6 की घात 43। 6 को सबसे पहले 43 को 43 को 4 से कर लो डिवाइडेड, 4 एकम 4, यानी कितनी? यानी 10, गुणा 6 की घात, कितने शेष बचे थे आपके पास? 3। तो आपको 3 लिखना। तो ये कंडीशन में आपको ध्यान देना, तो ये कंडीशन में आपको वो कह रहा है, तो इसमें आपको सबसे पहले 6 की घात 4 को, यानी 6 को कितनी बार गुणा करोगे तो आपको कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? 6, है ना? ठीक। और इस वाली कंडीशन में जो मैंने आपको बताया, 6 कितनी बार गुणा करोगे, उस कंडीशन में आपको कितना आएगा आंसर? 6 ही आएगा, है ना? ठीक। वो तो कोई भी कंडीशन अगर आपको लग रही है ऐसी दिख जाती है, तो उसका आंसर एकाई अंक 6 ही आना है ना। जैसे 6 को आप 3 बार लिखोगे, 6 6 36, 36 का 6 में करोगे तो 216, और इसका करोगे तो आना तो कुल 6 ही है ना। इसका भी करोगे तो 6 6 36, 6 आएगा, यानी एकाई अंक कितना आएगा? 6। अब अगली कंडीशन तीसरी है, 7 की घात 82 को आप 4 से डिवाइडेड करें, 4 दुनिया 8 और 0, यानी 7 की घात 20 और 4, है ना, गुणा बचे कितने शेष थे? 2। तो 7 की घात 2, ठीक। तो 7 को अपन कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। तो 7 7 49, और 49 49 करेंगे तो कितना आएगा एकाई अंक? 1। यानी इसमें एकाई अंक कितना आया? 1। एक बार थोड़ा सा समझ लो, इसमें 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक। ये वाली कंडीशन बन रही है, तो इसमें एकाई अंक कितना आएगा आपको? 1, और 7 गुणा 7, ना 7 7 49, इसमें एकाई अंक कितना आएगा? 9। तो इसको गुणा करेंगे तो एकाई अंक कितना आएगा? 9। तो अब तीनों कंडीशन अपने पास आ गई, तो तीनों कंडीशनों का आप गुणा करोगे तो कितना आएगा एकाई अंक? 18 और 9, है ना। 8 9 72 और 7, बस 2 आ गए आपको, और करना उत कर ही सकते हो, 9 और 8 16, यानी एकाई अंक कितना आएगा आपके पास? 2। तो ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब जैसे अपन अगला सवाल देखते हैं, 7 की घात 65, 65 को डिवाइडेड कर लो आप 4 से, 25 4 4 6 24, यानी शेष कितना बच रहा है? 1। यानी अपन इसकी कैसे लिख सकते हैं? 25 और 7 की घात 1। तो इस कंडीशन को सॉल्व करोगे आप, तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए यानी एकाई अंक आपके पास कितना आएगा? 1, है ना। 7 7 49 49 49 49, महीना में 81, एकाई अंक कितना आएगा? 1 और 7। तो यानी कितना आ गया आपके पास एकाई अंक? 7। अब दूसरी कंडीशन ये है, 6 की घात 41, यानी 6 की घात 4 और 4 से गुणा करोगे, 40 10 होंगे, इनटू 6 की घात 1 से बचा, ठीक। तो ये कितना हो गया आपके पास? 6 6 36, 6 6 जो आपको बताए, यानी इस कंडीशन में 6 6 आते हैं, तो आंसर कितना होगा? 6। मैंने अभी जो बताया था, 0 1 5 और 6 अगर संख्या दिख जाए तो उनके काय के अंक भी सेम होते हैं, जो भी संख्या है 6 1 5, और 9 में आपका सम है तो 1 और विषम है तो 9। तीसरी कंडीशन पे चलते हैं, देखिए तीसरी कंडीशन लिखी है इसमें 3 की घात 57, तो 3 की घात 57 को कैसे लिखोगे आप? 3 की घात 4। अब मैं आपको थोड़ा सा डर बता, 57 को आप 4 से डिवाइडेड करोगे तो 4 एकम 4 4 चौक 16, यानी कितनी यार? 14। अब शेष कितनी बची है आपके पास? 1। तो
तीन को चार बार लिखेंगे आप तो कितने बार आएंगे आपके? 81, यानी इकाई का अंक एक हो गया और 3 एकम 3, यानी इसमें इकाई का अंक कितना हो गया? 3। अपने पास तीनों आ गई अब संख्या, तो 7, 6 और 3, तो ये हो गया आपका 18। इनको गुणा कर लो, यानी इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आपको हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बात तो पढ़ाई और चीज